मनीष वर्मा, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सिर्फ रेगुलर बच्चों की या एसयूएल में जो पढ़ते हैं इनकी नहीं। मैं दिल्ली या दिल्ली के बाहर उन तमाम यूनिवर्सिटी या तमाम उन स्टूडेंट की जो फर्स्ट ईयर प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में हो, प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में हो। दोस्तों, कुछ ऐसे नोट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए उन नोट्स के बारे में, और ऐसे नोट्स कौन कौन से हैं मेरे दोस्त। पता है, जो डीयू में बच्चे पढ़ते हैं, या चाहे वो इग्नू में पढ़ते हों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ते हों, चाहे वो नॉन कॉलेज में पढ़ते हों, लेकिन यहाँ पे मेन मकसद होता है कि बच्चे अपनी स्टडी कैसे करें। मेरे दोस्त, आज स्टूडेंट के मार्क्स इसलिए कम आते हैं, सिस्टमेटिक भी नहीं है। मेरे दोस्त, ऐसा कोई मटेरियल्स तो होना चाहिए ना, ताकि बच्चा एक सिस्टमेटिक बेस से पढ़ सके, और जब ऐसा नहीं हो पाता तभी दिक्कत है। फिर भी मेरे दोस्त, आज हम बात करने वाले एक ऐसे लेटेस्ट नोट्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बता दूं कि मैं मनीष वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। तो भारत के उन तमाम यूनिवर्सिटी में अगर आपका उस टॉपिक में से सिलेबस मैच करता है तो प्लीज़ ये नोट्स आपके लिए भी है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ पहले वो नोट्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, फ़ोन या लैपटॉप या पीसी में आपको एक ऐसा ब्राउज़र ओपन करना है, चाहे वो क्रोम हो या कोई सा भी ऐसा ब्राउज़र हो जिसमें गूगल ओपन हो जाए। दोस्तों, आप कोई सा भी यूज़ करते हो, तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मेरे दोस्त, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, मैं अपना दोस्तों कोई भी एक ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, ताकि आपको दिखाऊँ। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम यूज़ करता हूँ। चलिए दोस्तों, क्रोम के अंदर यहाँ पे जैसे गूगल ओपन होगा, तो गूगल में आपको सर्च करना है VLE.com। क्या सर्च करना है? VLE। वी मतलब वर्चुअल, एल मतलब लर्निंग, और ई मतलब इन्वायरमेंट, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये नोट्स कहाँ से मिल रहे हैं। दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, बट इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दोस्तों राइटर्स वगैरह होते हैं, वो इसको राइट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टॉप पर एक पेज आएगा, यहाँ पर देख सकते हो आप दोस्तों VLE.DU.AC.com, यानी कि DU से दोस्तों अथोराइज होती है और सबसे बेस्ट नोट्स माने जाते हैं। यहाँ पर दोस्त, जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखे आते हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह हो गया, इन सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद मेरे दोस्त, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स दोस्तों, मैथमेटिक्स और तरह के यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। तो क्या करना है आपको, जैसे मान लो हमें चाहिए ह्यूमैनिटीज़ की, तो हम ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, डेट्स अप टू यू, आप किस कोर्स के अंदर हो, इन्वॉल्व हो। तो दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ह्यूमैनिटीज़ के यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज के नाम आए हैं और राइटर्स के वगैरह यहाँ पर नाम आए हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ लैंग्वेज में दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है। जो जो टॉपिक्स आपके मैच कर रहे हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे तो आपने ये देखा, बट आपको लगना चाहिए कि इतने ही नोट्स हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और यहाँ पे छानबीन करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों हमें और क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, थोड़ा चलिए हम बैक करते हैं इसके अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ इसमें आप क्या क्या ले सकते हो। जो सबसे पहले आपको नीचे आना है, सबसे दोस्तों मैं उसी पेज पे हूँ जिस पेज पे थे हम। सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है, और आप भी आप क्या कर रहे हो, यूजी कर रहे हो। यूजी मतलब क्या होता है दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप किसी भी कोर्सेज के अंदर इन्वॉल्व हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा पेज। जैसे पेज खुल कर आएगा, यहाँ पर दोस्तों कॉमर्स के लिए है ना दोस्तों, यहाँ पे बोटानी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, दोस्तों ऐसे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हैं सब्जेक्ट्स। जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करता हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्त, जो जो आपके काम के नोट्स हैं, जैसे कि टॉपिक्स यहाँ पे जस्टिस है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे दोस्तों आपको टॉपिक्स वाइज नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। दोस्तों, ये PDF के अंदर है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हिंदी मीडियम है कुछ, और कुछ इंग्लिश मीडियम के अंदर है, तो ऐसे ही दोस्तों आपके बेनिफिट होगा। यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे नोट्स हैं, और हर तरीके के यहाँ पे आप, यानी कि तीनों ईयर में जो बच्चे पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये DU/SN में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए ही हों, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो इग्नू से हों, चाहे वो दोस्तों DU/SN में पढ़ रहे हों, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हों, या वो दोस्तों वो नॉन कॉलेज या गर्ल्स कॉलेज जो होता है वो उनमें क्यों ना हो, तो सभी टॉपिक्स हैं यहाँ पे। जैसे कि दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ, एक मान लो कि रियलिज्म हमारा एक टॉपिक है थर्ड ईयर वाले बच्चों में पॉलिटिकल साइंस में, तो उनको पता होना चाहिए इसके बारे में। ऐसे दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, तो जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, तो डाउनलोड करते ही मेरे दोस्त ये ऑप्शन हो गया,
ओपन हो गया। एक वो बात और ध्यान रखना, काफ़ी सारे बच्चों में डाउनलोड होने के बाद ये ओपन नहीं होता, तो उनके फ़ोन के अंदर या पीसी के अंदर पीडीएफ रीडर नहीं होता। दोस्तों ये पीडीएफ फाइल होती है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अगर ये ओपन नहीं होता तो। यहाँ पे दोस्त यहाँ पे देख सकते हो, ये बीए ओनर्स वाले बच्चों का है ये बेसिकली दोस्तों। इसमें जो ओनर्स में जो स्टूडेंट है, चाहे वो रेगुलर में हो या ओपन से हो, ये सब के लिए है, डोंट वरी, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे ये डीपली एनालाइज करते हैं हर एक टॉपिक को, डीपली एनालाइज्ड है और एनालिटिकल वे में क्रिटिसाइज से लेकर हर एक पार्ट्स को दोस्तों अच्छे से क्लियरेंस करते हैं, तो इसमें से स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाता है। आप दोस्तों इस बेस्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, आप इसी नोट्स को शॉर्ट बना सकते हो। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, अच्छा नंबर या अच्छे मार्क्स एग्जाम उसी का आते हैं जो अपनी स्ट्रेटजी अच्छे बना पाता है। तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि इसमें से आप अच्छे से रीड कर सकते हो। इसकी बेस्ट फैसिलिटी ये है कि आपको बुक्स ले जाना, बुक्स को लेना, ढोना, वहाँ उठा के ले जाना, इससे आप बच सकते हो, चाहे मेट्रो में या कहीं पे भी आप कोई जॉब क्यों ना कर रहे हो, आप इसको निकालो और पढ़ना स्टार्ट करो। दोस्तों आप कहीं पे ये बेस्ट पे यहाँ पे कहूँगा मैं इसको, क्योंकि अच्छे से प्रोवाइड किया गया है और ये डीपली एनालाइज है। दोस्तों इसको पहले मैंने खुद से पहले इसको एनालाइज किया तब ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताता जो आपके लिए हानिकारक हो, जो आपके लिए हार्म हो। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आप सबको यही कहूँगा दोस्तों, जहाँ तक हो सके आप इन वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर करना ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सभी को मिल सके, और दोस्त इस नोट्स को आप डाउनलोड करना आसानी से, कोई भी दोस्तों आपको पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोस्त ये नोट्स है और आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे आप इसमें से पढ़ सकते हो, और दोस्तों क्रिटिकल वेज में मतलब हर तरीके से इसमें बताया गया है। तो दोस्तों DU के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, आप इसको डाउनलोड करें अपने फोन के अंदर। तो ये रही बात नोट्स की, तो नोट्स तो अपने आप में जब मिल जाए तो अच्छा रहता है, कहीं से भी करो, इट इज़ द डजेंट मैटर कि आप पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, मैटर ये रखता है कि जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपके भेजे में घुस रहा है नहीं घुस रहा, वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो क्या करना है, पढ़ाई वही करना है या वहीं से पढ़ना है जो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और पता है यार नोट्स बोर्ड्स ये सब वो सब कुछ भी पता है बंदे क्या करते हैं कि समझ में नहीं आता, अब जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसके लिए तो नोट्स बोर्ड सब का सब बेकार ही है ना। तो प्लीज़ मन बनाओ और अच्छे से अपनी स्टडी करो, और जब अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मार्क्स आ जाएगा। बट पढ़ाई करने वाले भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता मेरे दोस्त, एक बात ध्यान रखना, जो अच्छा पढ़ता है वो अच्छे मार्क्स कभी नहीं ला सकता, जो अच्छी स्ट्रेटजी बनाता है अच्छे मार्क्स बुलाता है। मैं क्या कहा मैंने वंस वो दोस्त, वो जो अच्छी स्ट्रेटजी बना लेता है जिसको हम रणनीति कहते हैं, जिसको हम अपने लेवल पर कहें, जो दो कदम तेज चलता है टॉप पे खड़ा होता है। क्या कहा मैंने, वो टॉप पे खड़ा रहता है, तभी तो कहा जाता है कि अगर इन बातों को समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला। आई होप कि दोस्तों आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले बता दूं, अगर आपने इन और तरह की वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे में वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबाएं और इसके बटन में छोटा सा बेल आइकन होगा उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, जो मेरी नई नई वीडियोज़ आएगी आपको एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन के बाद आप मेरी वीडियो को टाइम पे देख सकते हो। जब टाइम पे देख लोगे तो भाई टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा, तो इससे आपका भी फायदा, मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।